मॉर्निंग, दिस इज साहिल। आज डेट हो चुका है 27 और टाइम हो रहा है सुबह के 6:30 और अपन निकल रहे हैं जयपुर। होप करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। और आज हम जयपुर क्यों जा रहे हैं और किस पे जा रहे हैं ये आपको सब आज के व्लॉग में पता लगेगा। और मेरी लाइव अपडेट पाने के लिए आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे वंडर साहिल के नाम से। और अभी अपन निकल रहे हैं जयपुर, क्यों जा रहे हैं, क्या काम है वो मैं आपको रास्ते में बताता हूँ। तो चलो मिलते हैं बाइक पे। हाँ जी, तो फाइनली पहुंच चुके हैं अपन महुआ। अभी सुबह सुबह पी रहे हैं रेड बुल। तो अभी निकल रहे हैं जयपुर के लिए। और आयुष और अंकित यहाँ पहले पहुंच चुके थे तो ये मेरा वेट कर रहे थे। फ़ोन कर दिया था इन्होंने तो मैंने पिक कर लिया था। मैंने बोला आ रहा हूँ 5-7 मिनट में। बस 4 या 5 किलोमीटर का ही फ़र्क था अपने बीच में। तो फाइनली वी रीच महुआ। अभी यहाँ से बालाजी यहाँ से 20 किलोमीटर और जयपुर बैठेगा यहाँ से 120 किलोमीटर। तो मे बी अभी 8:30 हो चुके हैं, 8:30 तो पहुंच जाएंगे अपन यहाँ मे बी अराउंड 11 o'clock। तो निकल चुके हैं अभी महुआ से और ऑन द वे हैं जयपुर के। तो बस यहाँ से 20 किलोमीटर है अभी बालाजी, देन वहाँ से होगा करीबन 100 किलोमीटर अराउंड जयपुर। चलते हैं। मैं बता देता हूँ, शायद से हो सकता है कि मैं दिसंबर में राजस्थान कवर करता हुआ निकलूँ साउथ की तरफ। नॉट पॉसिबल, देखो टाइम का कुछ भी नहीं पता, आज कैसा है कल कैसा है। तो दिसंबर काफ़ी दूर है, बट हाँ ट्राई करूँगा, कंफर्म निकलूँगा ये भी नहीं कह सकता, बट हाँ निकलूँगा ज़रूर दिसंबर में राजस्थान और साउथ करता हुआ कंप्लीट। अभी निकल रहेंगे हम जयपुर, उसके बाद निकलेंगे 9 तारीख को सीधा। वो भी आपको ही बताना है, मैं क्यों बताऊँ हर चीज़। तो ठीक है, इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो कर लेना वंडर साहिल के नाम से, आपको वहाँ सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे मेरे कि मैं 9 तारीख को कहाँ जा रहा हूँ। बीच में मैं एक ओपिनियन भी डालूँगा, उसमें आपको 3-4 ऑप्शंस दूँगा, तो आप भी सजेस्ट करना कि मैं किधर जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ इस बेबी को लेके। तो सब कुछ डिपेंड आपके ऊपर है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप कितना सही गैस कर पाते हो कि वेयर आई एम गोइंग। तो भाई बालाजी क्रॉस हो चुका है, ये आ चुका है मानपुर। मानपुर पे आप काफ़ी लोग जानते होंगे कि यहाँ एक पंडित जी कचौड़ी वाले हैं, और सीरियसली उनकी इतनी अच्छी अमेजिंग कचौड़ी है। ओहो, मैंने बहुत बार ट्राई किया हुआ है, बट स्टिल मैं आज ट्राई नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज मैं सुबह ब्रेकफास्ट करके निकला था घर से, और आयुष अंकित दोनों हम सारे मतलब हम ब्रेकफास्ट करके निकले थे। तो अपन तो भाई करने से रहे, अगर इनका मन होगा तो दे विल डू दैट, बट नहीं ये भी नहीं कर रहे हैं और ये सीधा निकल चुके हैं। ये पंडित जी की अमेजिंग दुकान है, बहुत अच्छी कचौड़ी वचौड़ी मिलती है भाई, कचौड़ी जलेबी अमेजिंग है। मैं एक बार बोलता हूँ, आप एक बार ज़रूर मस्ट ट्राई करना, कभी भी आपका जयपुर आगरा रूट पे चक्कर लगता है तो मानपुर जगह पड़ेगी। ऑन रोड ही है राइट एंड, मतलब यहाँ से जब जयपुर से अपन आगरा की साइड जाएंगे तो लेफ्ट एंड, और आगरा से जब अपन जयपुर की साइड जाएंगे तो राइट एंड। बहुत अमेजिंग कचौड़ी है, मैं बोल रहा हूँ आपको, ये कोई प्रमोट नहीं है, प्रमोशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट स्टिल ट्राई करना, बहुत अच्छी कचौड़ी है। तो भाई आ चुका है सिकंदरा थर्ड टोल। तो चलो जी, ये आ गया है सिकंदरा। सिकंदरा है और मानपुर में 10-10 किलोमीटर का फ़र्क है अराउंड, हाँ 10 किलोमीटर का अप्रोक्स। यहाँ से जयपुर है अपना 80 किलोमीटर अराउंड, तो बस मे बी मैक्स टू मैक्स 1 आवर और 1 1.5 एन आवर।
सिकंदरा में भाई ये पत्थरों का काम बहुत फेमस है, कोटा स्टोन से और वाइट वाले स्टोन आता है। देखो यहाँ कितनी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ मंदिर वगैरह सब बना के रखते हैं। इवन मेरे घर पे भी जो मंदिर है मॉम ने यहीं से ही बाय किया था, मॉम डैड ने, तो लिटरली काफ़ी अच्छी क्वालिटी है और वो उसको 5-6 साल हो चुके हैं, बट स्टिल लुक्स ऑसम। देखो राइट में देख लो, लेफ्ट में देख लो, दोनों तरफ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पत्थर का ही काम है मंदिर का। ये लो ये मंदिर वगैरह बने हुए हैं और यहाँ बहुत मतलब रीजनेबल प्राइस भी है सारा कुछ, मानपुर से लेके और अपने आने वाले दौसा तक ये सारा काम यहाँ पर यही होता है, मंदिर मूर्ति एंड ऑल, मतलब सारा पत्थर से रिलेटेड कोई भी काम है तो यू कैन बाय फ्रॉम हियर। फेमस भी है मकराना एंड वन मोर प्लेस, आई फॉरगेट दैट प्लेस, क्या नाम है उस जगह का, चलो अगर याद आएगा तो मैं बता दूंगा। बाकी मकराना, सिकंदरा, मानपुर एंड दोसा ये हमारे यहाँ की फेमस है पत्थर वत्थर को लेके, मूर्ति वगैरह पत्थर एंड एनीथिंग, मतलब कुछ भी आपको लेना हो, जो भी मुझे याद, बाकी जो भी मुझे याद आता रहेगा राजस्थान में क्या अच्छी चीज़ है जो मुझे पता है तो आई लेट यू नो एंड मैं आपको बताता ही रहूँगा जो भी है अपना सारा कुछ राजस्थान का भरतपुर से रिलेटेड और जहाँ भी मैं घूमा हुआ हूँ उससे रिलेटेड जो भी मुझे पता होगा, आई एम डैम श्योर कि मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो वहाँ का कोई फेमस थिंग हो या फिर कोई फेमस फूड हो, स्ट्रीट फूड, वट एवर, तो आई एम डैम श्योर आई एम शेयर विद यू गाइज। गन्ने का जूस, वाओ, मन बहुत करता है बट कोई नहीं, राइडिंग के टाइम पे सब कुछ फीका लगता है, मेरे को राइडिंग ज़्यादा अच्छी लगती है। तो भाई कौन कौन अपना राइडर कम्युनिटी से है, आई मीन जो भी राइडर है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि वो बाइक पे कहीं लॉन्ग रूट कर चुके हैं या लॉन्ग राइड कर चुके हैं, तो प्लीज़ लेट मी नो। ओए भाई कहीं से भी कूद जाते हैं बंदे यार, मतलब क्या कहने क्या कहने भाई, ये है राजस्थान, हमारा प्यारा राजस्थान, बंदे कहीं से भी कैसे भी आ जाते हैं, कोई नहीं अपन सेफ, दैट्स ऑल। तो भाई क्रूज कंट्रोल बहुत सेक्सी तरीके से काम कर रहा है, ये मैंने प्रो स्पेक से बाय किया था, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इसकी, दिस थिंग इज़ बहुत अच्छी रिंग है, मतलब हाँ बट सिटी में बिल्कुल यूज़ नहीं करने का गाइस, सिटी में मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा, बट हाईवे पे लिटरली अगर आपकी बाइक का बैलेंस अच्छा है तो इट्स थिंग, दिस थिंग इज़ ऑसम। और ये प्रो स्पेक बाइक की मैंने विंडशील्ड लगाई है, विंडशील्ड का तो मतलब आपको पता ही होगा क्या होता है, किस पर्पज़ से काम आती है, अगर नहीं पता हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना, फिर मैं आपके लिए स्पेशल अलग व्लॉग निकालूंगा, उसमें आपको कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको डिस्क्राइब कर सकूंगा, तो कमेंट करके बताना कि ये चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में, आई मीन दूसरा व्लॉग बना के मैं डिस्क्राइब करूं या ना करूं, जस्ट लेट मी नो, मैं आपको एक एक चीज़ के लिए करने को रेडी हूँ। और बाइक आज रेडी होगी, इसका व्लॉग अलग, आज का व्लॉग अलग बनेगा, और जो बाइक मैं मतलब जो भी सामान डलेगा वो भी आज मैं इंक्लूड कर दूँगा। बाकी एक इस बाकी एक स्पेशल एक मैं अलग से व्लॉग बनाऊंगा जिसमें आपको फुल डिस्क्राइब करूंगा कि भाई ये क्या है, ये क्या है, वॉट एवर, मतलब जो जो मैं लगा रहा हूँ, कहाँ से लिया, कितने का लिया, सारा कुछ मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूँगा ना व्लॉग, बट ये वाले मैंने नेक्स्ट व्लॉग में पक्का। तो भाई सोच रहे होंगे ये क्या आ गया सामने, तो मैं आ चुका हूँ अंकित की हिमालयन के ऊपर और आयुष मेरी बाइक चला रहा है, वो बैठ बैठ के थक चुका था तो बोल रहा था भाई मेरे को बाइक चलाने, मैंने कहा आ जा तू मेरी वाली बाइक पर, आ तू मेरी बाइक चला ले। और अभी हम पहुँचने वाले हैं दोसा और वहाँ शायद अपन 5-7 मिनट का ब्रेक लेंगे, एक आधा चाय वाय मारेंगे, फिर निकलते हैं आगे जयपुर के लिए। तो अभी एक मेजर इशू आ रहा है हमारे साथ, मैंने अभी अपनी टैंक फुल करवा के चला था, ये भी अपने टैंक फुल चला के कर रहा है, मेरा अभी हाफ टैंक भी नहीं हुआ और इसका भी लो फ्यूल पे भी आ गई गाड़ी, तो अपन जाके चेक करवाएंगे कंपनी में कि भाई क्या इशू आ रहा है, मेरी वाली इतना अच्छा एवरेज दे रही है टचवुड, बट इसकी क्यों नहीं दे रही है, ये भी तो मेरी बाइक ही है भाई, वाय। तो भाई अंकित की बाइक में भाई अपन ने पेट्रोल डलवाया है बट इसकी बाइक के एवरेज का नहीं, ये मीटर का प्रॉब्लम है। देखो अपन ने फुल करवा लिया है फिर भी ये मीटर एम्प्टी दिखा रहा है, तो कल इसको जाके अपन चेक करवाते हैं। तो भाई फाइनली अपनी बाइक पर वापस आ चुके हैं और जयपुर रह गया बस यहाँ से 20 किलोमीटर,
पहले चलना है अपने को KTM सर्विस सेंटर, मेरी विजय भैया है वहाँ पर, उनसे बात हो चुकी है, रामबाग सर्विस सेंटर। और वहाँ से अपने को दो मिरर लेने हैं, साइड मिरर, तो मैं ये वाले जो मिरर है मैं चेंज करके KTM वाले मिरर लगाने वाला हूँ। लुक भी अच्छा आता है, प्लस इसका जो बैक व्यू है वो प्रॉपर क्लियर नहीं रहता, KTM वाले का थोड़ा जो साइज़ है वो ब्रॉड है, तो उसमें मुझे क्लियर दिखता रहता है मतलब। तो भाई ये आ चुका है अपना कानोता भाई। भैया वो बुलेट वाले भैया के कर रहे हो भैया, देख के किसी को पागल नहीं होना चाहिए भाई। कोई बंदा कैसे चलाना जानता है, कोई कैसे चलाना जानता है, कभी किसी को देख के कभी भी होड नहीं करनी चाहिए भाई। तुम अपनी जगह ठीक चलो, हम अपनी जगह ठीक है, बस। जयपुर दूर नहीं, जयपुर सिर्फ 5 किलोमीटर है। ये अपना एंट्रेंस आ गई है भाई जयपुर की, ये जाता है अजमेर के लिए डायरेक्ट बाईपास, और ये जाता है अंदर सिटी। तो अपने को चलना है अभी सिटी, उठाना है वहाँ से कुछ सामान KTM सर्विस सेंटर से। तो ये देखो भाई, ये है अपनी ओल्ड एंट्रेंस, ऊपर पहाड़ नीचे महल, ये कोई पुराने राजाओं के महल टाइप पे बना हुआ है। और ये सीरियसली इतनी अमेजिंग लगता है ना मेरे को ये, मतलब रोड, आहा। इसमें फोर व्हीलर अब बंद कर दिए, आप क्यों आ रहे हो ऐसे? मोस्टली यहाँ फोर व्हीलर अराउंड नहीं है, बट ये लोकल है, शायद इनका यहाँ आसपास घर होगा तो इसलिए रोड पे आ रहे हैं, नहीं तो यहाँ इस रोड पे फोर व्हीलर बिल्कुल बंद हो चुके हैं पिछले 5-6 साल से, जब से वो टनल बनाई है। हाँ जी, अपन ने पिक कर लिए KTM के साइड मिरर्स और अभी जा रहे हैं करण मोटो मार्ट। चलो चलते हैं और सारी आपको दिखाते हैं एसेसरीज जी, अपन ने क्या क्या लगाया है। अगर आज मैं टाइम से पहुंच जाता हूं तो ये व्लॉग आज ही एडिट करके मैं डाल दूंगा, अगर मैं आज रात को टाइम से नहीं पहुंच पाता हूं तो प्लीज़ वेट करना, कल आपको ये व्लॉग 110% मिल जाएगा। जयपुर से ना मुझे अलग ही लेवल का प्यार है यार, पता नहीं क्यों मेरा ना, मेरे को लगता है मेरा यहाँ पर घर होना चाहिए था, भरतपुर गलत है सीरियसली यार। एक होने को है अपना, बट स्टिल सेटअप सारा भरतपुर में है। जयपुर में रेड लाइट कितनी है? हाँ, ये आ चुका है गांधीनगर रेलवे स्टेशन, गांधीनगर। अरे ओ बलीना वाले भैया, यहाँ आएगा रॉयल एनफील्ड का शोरूम और टाटा का शोरूम। कहाँ गए भाई यहाँ से? हाँ, टाटा का आ गया और रॉयल एनफील्ड का आगे है, टाटा का ये रहा। पहुँच गए हैं हम मालवीय नगर के पास, तो मालवीय नगर रह गया यहाँ से अपना ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट। करण भैया वी आर कमिंग। त्रिवेणी नगर पुलिया भाई, ये है त्रिवेणी नगर पुलिया। कई लोग बोलते हैं बाईपास, कई बोलते हैं पुलिया। तो ये लो जी, हम मारेंगे अंडरपास से यू टर्न। वॉक, आई लव वॉक। भाई मर्क और BM का ना अलग ही स्वाद है यार, कुछ भी कहो एक गाड़ी तो होनी चाहिए मर्क या BM में से। तो मार लिया जी अपन ने यू टर्न,
तो ये लो जी, बस पहुंच गए करण भैया के पास, बैटरी हो गई है लो, तो बस करण भैया तक के आपको शक्ल दिख जाए उसके बाद तो फिर अपन चार्ज कर ही लेंगे। ये बैठे हमारे करण भैया, करवाते हैं अब इनसे काम। हाँ जी, तो बस कल रात को गए थे बहुत ज़्यादा लेट, 2 बजे पहुँचे घर पर। अभी व्लॉग एंड करते हैं, इसलिए मैं दोबारा आया हूँ कि मैं चलो व्लॉग एंड कर देते हैं। और जिस जिसको भी ये व्लॉग अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और जो भी इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और प्लीज़ अगर ये व्लॉग अच्छा लग रहा है तो आप इसको आगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करना, और छोटे भाई को पूरा सपोर्ट भी करना। थैंक यू, बाय बाय, टिल देन टेक केयर। और एक ब्लॉग की तैयारी अपन कल के लिए भी कर रहे हैं, बहुत जल्दी सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ।